हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स नेवी के लिए टॉप 25 यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से वॉच करिएगा। आप लोगों का एयरफोर्स का एग्जाम आपका जल्द 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच है, तो आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्दी रख दिया गया इस बार, तो आप लोगों को तैयारी जम के करना पड़ेगा। चलो भाई, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस चैनल पर आपको क्या है कि एयरफोर्स की एक्स और वाई ग्रुप दोनों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और नेवी WSSR और आपकी नेवी MR की भी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एयरफोर्स नेवी का स्टूडेंट है। ठीक है, किसी का भी प्लेलिस्ट चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से आपको प्लेलिस्ट कमेंट में आपको सीधा आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को किसी को भी चाहिए फिजिक्स इंग्लिश मैथ आपको आराम से मिल जाएगी, एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ आपकी रीजनिंग सब मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जो 26 का जो राइट ऑप्शन तीसरा है वो बिल्कुल आपका सही बनेगा। आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मी सभा के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे, और ये ब्रह्म समाज के भी थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के भी थे। और आपका ये क्वेश्चन पूछा था ज्योतिबा फुले किसके थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक। ठीक है, याद कर लेना। और दयानंद सरस्वती आज आर समाज के, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर समाज के। अब ये लिखा है भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? भाई आपको यही बताना है। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलगाड़ी आपकी चली थी, मुंबई स्थानीय चली थी। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आपका सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित? सेरीकल्चर है तो आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल आपका रेशम से संबंधित है। ठीक है, रेशम से संबंधित है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल बोरलॉग किस क्रांति से संबंधित है? नॉर्मल बोरलॉग, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन है, आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। नॉर्मल बोरलॉग आपका हरित क्रांति से संबंधित है। अगला दिया नाम, अमेरिका में जॉन कैरी के डेमोक्रेटिक पार्टी का चिन्ह क्या है? तो 31 नंबर प्रश्न है, इसका जो चौथा ऑप्शन है गधा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया 32 नंबर, फीफा किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? 32 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बनेगा फुटबॉल। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो 33 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन है चिकित्सा के लिए दिया जाता है। ठीक है, 33 का आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 34 नंबर दिया, ब्राज़ील में अब तक कितने बार विश्व कप फुटबॉल जीता है ब्राज़ील ने? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बताया आपको, 5 बार लगभग जीता है फुटबॉल। ठीक है, और धनवंतरी पुरस्कार दोस्तों आपको चिकित्सा से संबंधित है। एडम्स ब्रिज किन दो देशों को जोड़ता है? ये स्टैटिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, आप लोग बता देंगे। भारत और श्रीलंका है जो, वहाँ पर पाक जल डमरू मत भी हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एडम्स ब्रिज है जो किन दो देशों के बीच है? वो भारत और श्रीलंका के बीच है। जो पाक जल डमरू संधि हुई थी वो भारत और श्रीलंका के बीच। अगला दिया गया साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी क्या है? 36 नंबर का पहला निकोसिया है। ठीक है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। जंजीबार किस देश का पुराना नाम है? जंजीबार किस देश का पुराना नाम है? तंजानिया का। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, 39 नंबर आपका प्रश्न दिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन G15 के सदस्यों की संख्या बतानी है। G15 के सदस्यों की संख्या बतानी है, 39 नंबर का 16। राज तरंगिनी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल्याण है। राज तरंगिनी के जो लेखक है वो आपके कल्याण है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। अगला दिया इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? 42 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, तो पेराम्बूर में स्थित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, और भारत के राष्ट्रपति बताइए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला दिया गया है यामिनी कृष्णमूर्ति आपके का समय, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? 44 नंबर दिया गया, तो भरतनाट्यम से। मिनरी साराभाई का संबंध भी भरतनाट्यम से है। अगला दिया मैगीनाट जो रेखा है किन दो देशों के बीच है? मैगीनाट, तो आप लोग बी ऑप्शन सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल सही, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, इसको याद रख लेना आप लोग, और ये हिंडन रेखा इनके बीच में है। ठीक है, हिंडन रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। चलो अगला देखते हैं, ये 38वीं आपकी समांतर रेखा है। 38वीं जो समांतर रेखा है वो आपके उत्तर और दक्षिण की ओर है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है, अगला दिया गया है होंग सेंग किस देश का शेयर सूचकांक है? पता 46 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा बताइए जरा, राइट ऑप्शन इसका क्या है?
46 का राइट ऑप्शन है। चौथा हांगकांग। देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 47 का 3 12 है। अगला दिया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 50% है। 48 का पहला 2.42%। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले एक छोटा सा लाइक करते जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आप लोगों को एयरफोर्स वाई ग्रुप की भी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको इंग्लिश 20 नंबर की आती है जो आपकी, और रागा आता है जो 30 नंबर का। रागा में क्या आता है? रीजनिंग, और आती है आपकी GK, ठीक है, और आपकी वाई ग्रुप और आपकी मैथ आती है, ठीक है, एडवांस मैथ, ठीक है। तो भाई, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।